Hello everyone, my name is Karvam Priram, your host, and welcome back to the new episode. The Darling Guest Agency present the Taishan Talk Show Season 3 Dil Se. Co-sponsored by Comsol Water Alkaline, our beverages partner Black Hole Energy Drink, and Papumpare Tea Estate, our food partner Fresh Fruit Garden, our hospitality partner Hotel Pips. So guys, today we have a very special guest who is very known for his popular song Jimmy Anna, and also he is a songwriter, artist and a singer. So one and only Dobom Doji. Hi. Welcome sir. Hey. कैसे लग रहा है आपको यहाँ के? अच्छा लग रहा है. नर्वस तो है थोड़ा बहुत but ठीक है सही. So before moving on, we would like to know ki who is Dobom Doji. अच्छा. हेलो हाय, आई एम दोबम दोजी. दोबम दोजी कौन है? दोबम दोजी छोटा सा एक आर्टिस्ट है जो बस एक आर्टिस्ट फील्ड में काम कर रहा है. अभी घुस रहा है लाइक फोक म्यूजिक को लेके, तो बहुत इच्छा है और काम करने के लिए, तो देखते हैं कितना तक हो पाते हैं. अपना बेस्ट देने के लिए हम जरूर ट्राई करेगा, बस वही. अच्छा, तो ये जो आप बेसिकली आप सिंगर हो, आप आर्टिस्ट हो, सॉन्ग राइटर हो, तो आपका ये पैशन सर, आपका पैशन कैसे शुरू हुआ, किस मतलब किस समय से शुरू हुआ, मतलब आप कुछ बता सकते हैं? अच्छा, तो छोटा से हम गाता था, मतलब गाने का बहुत इंटरेस्ट था हमको. लाइक छोटा जब हम लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 4-5 तब से हम इंटरेस्ट था. मतलब ना, हम असम रावल स्कूल में था तब, तभी हम छोटा था, हमको बहुत एक्चुअली मैं स्कूलिंग में हमको बहुत छोटा में डाला था, तो मतलब नहीं देखा गीता भी प्ले इंस्ट्रूमेंट प्ले करने नहीं आता था. हम भूख के मतलब वहाँ मेरा एक बड़ा भैया हुआ करता था, तो उसको हम भूख के हमेशा पीछे पीछे भगता था, भैया प्लीज़ मेरा लिए आप प्ले करो, हम गाना गाने माने ऐसा बोल के. लाइक हम स्कूल में कुछ फंक्शन कुछ ऐसा जब होता था तो ऐसा हो के गाने का तब से शौकीन था. थोड़ा बहुत कर ही रहा है और थोड़ा बहुत प्यार मिल रहा है अभी आदमी लोग से, पब्लिक लोग से, बस वही चल रहे थे. बहुत अच्छी बात है सर. हमने आपको पहले से भी मैं जानती हूँ, आपका कॉन्सर्ट भी मैंने विटनेस भी किया है, अटेंड भी किया है, तो आपका म्यूज़िक स्टाइल जो स्पेशली फोक फ्यूजन है, तो मतलब आप ये फोक ही क्यों चूज़ किया, आप बता सकते हैं? फोक लाइक पहले बहुत करता था, लाइक ऐसा बॉलीवुड ऐसा गाना वाना बहुत करता था. ऑब्वियसली हमारे नाचले बॉलीवुड और इन्फ्लुएंस तो है ही है, इवन तो अभी भी सुनते हैं हर जॉनर का सुनते हैं, बट फोक म्यूजिक में क्यों हम इंटरेस्ट है बोलने से, मेरा पिताजी से एक्चुअली हम सुन के, मेरा पिताजी जो लाइक हम लोग गालों में हम लोग ट्राइब में बोलते कि न्यूबो बोलते ना, तो लाइक वो पूछा रहे उससे हम सुन के, जब भी वो कुछ करता था हम सुनते रहता था जब हम उसका साथ रहता था. जैसे कि ज़्यादा टाइम तो स्पेंड करने नहीं मिला छोटा सा माँ पिताजी के साथ, ऐसे बाहर रह के अकेला ऐसा करके ना, तो जब भी गया तो पिताजी के साथ बैठ के वही सीखता था. तो ऐसा हो के हमको एक बार ऐसे लाइक इच्छा किया कि हम करके दिखेगा ऐसे बोला ना. तो लाइक जिमी आने एक गाना है जमुना सिरम सर का, द लिविंग लेजेंड जमुना सिरम सर, और एक्चुअली एवरीवन इज लाइक हर कोई सोचता है कि जिमी आने जो मेरा गाना है, एक्चुअली वो मेरा गाना नहीं है, हम जस्ट उसको कवर किया था. अच्छा. तो ऐसा करके हम जस्ट कवर किया, तो हमको फोक म्यूजिक में तब हम फील किया कि म्यूजिक अच्छा, ये अपना टाइप का म्यूजिक है बोलेंगे ना, तो वही अभी चल रहे कर रहे फोक म्यूजिक में इंटरेस्ट. और फोक म्यूजिक हम क्यों कर रहे हैं बोलने से, हम लोग फोक म्यूजिक से ये बताना चाहते हैं कि लाइक हम लोग का जितना अभी जनरेशन में अभी जो लड़की यूथ लोग है, लड़के लड़का लोग हैं, अपना कल्चर को एक्चुअल भूल गया. अच्छा. अपना आइडेंटिटी सब कुछ भूल चुका है, तो मतलब फोक म्यूजिक अभी हम लोग नया म्यूजिक के साथ कुछ फोक म्यूजिक को हम लोग ऐसे जब पब्लिक में ऐसे बात करते तो वो लोग सुनते हैं, तो सुन के लाइक कुछ तो सीखने मिलता है, अपना रूट क्या है, अपना कल्चर क्या है. हम चाहते हैं कि लाइक अभी जितना जनरेशन हम लोग का जनरेशन का लड़की लड़का, इवन तो बहुत लोग अपना लैंग्वेज भी बोले नहीं आते, बट हम प्राउडली बोलते हैं कि हम बहुत खतरनाक अपना लैंग्वेज भी हम अच्छे से बोल सकते हैं. तो ऐसा है, तो हम ये चाहते हैं कि लाइक फोक म्यूजिक का जो आप लोग भी अपना कल्चर को मत भूलो ना, अपना जो आइडेंटिटी उसको मत खो, बस वही है वो चीज़ को लेके फोक म्यूजिक और बांटने माने, बस आप लोग प्यार बनाए रखो और काम करने माने, ऐसा है ना. मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आपका जब से जिमी आने निकला है ना, तो बहुत लोग एक्चुअली ये गाना तो बहुत लेजेंडरी सॉन्ग है, बहुत पहले से है ना, तो आपने जो रिक्रिएट किया, जो आपका फ्यूजन डाला ना, तो उसके वजह से बहुत लोग स्पेशली मैं भी ये गाना को सीखने का बहुत मन किया, और मैं स्पेशली लाइक घर बैठे बैठी बहुत गाती हूँ ये गाना ना. अच्छा, तो आपका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा, आप जो पर्पस लेकर आए थे इस सॉन्ग्स को लेकर ना, तो आई थिंक ये बहुत कामयाब रहा, एंड उम्मीद करते हैं कि आगे कि आपसे और बहुत देखने को मिलेगा. तो आपका सर रिसेंटली आपका एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? ब्रदर यू आर द ओनली वन जिसने हम लोग को बनाया. लाइक ये लिरिक्स भी मेरा पिताजी का ही है, मेरा पिताजी लिखते हैं,
तो लाइक मेरे पिताजी लिखते जितना लिख देते हम अभी तक उतना कामयाब नहीं बन पाए कि इतना हम काम कर सकेगा। ये भी मेरे पिताजी के लिरिक्स है, तो ये लिरिक्स भी लाइक वही बोल रहे हैं कि हम लोग का जो लाइक फोर फादर लोग पहले जो था ना, अपना वो कल्चर को मतलब बचा के रखो ना, वो एक मत भूलो, वो ऐसे बोला। अच्छा। हम अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहे, बट हमसे जितना हो पा रहे हैं वही कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, ये आपका हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका कुछ हिडन टैलेंट क्या है। ऐसा तो कुछ भी नहीं रहे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, बस गाना वाना भी गाते हैं पता नहीं, तो ऐसे गुनगुना के देखे तो आपने लोग पसंद किया, बस वही कर रहे हैं। बल्कि लेकिन आप गाने में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आप सिंगिंग में नहीं होता तो आपको क्या लगता है आप लाइफ में इस वक्त क्या कर रहे होते? वो तो पता नहीं, रहने नहीं बोल सकते। वैसे ही हम नर्वस सही था इंटरव्यू के लिए, अभी और नर्वस हो रहे हैं बात सुन के। हम लोग कुछ तो कर रहा होता था, हम छोटा सा लाइक थोड़ा चंचल वाला नहीं होता, थोड़ा स्मार्ट तो हम जरूर था, कुछ ना कुछ तो हम कर रहा होना था, लाइक कर रहा है हम, वो ना हम कहीं गली में दुकान उकान खोके भी बैठा हुआ होना था, बट हम कुछ तो कर रहा होना था, काम बड़ा छोटा नहीं। या एग्जैक्टली, कुछ तो कर रहा ही होना था। तो सर बैक टू द पास्ट, हम मैंने सुना था कि आपका कुछ बैंड था ब्रिक सिटी बॉयज बोल के ना। हाँ, यस यस, आपने आप वहाँ भी इन्वॉल्व थे। या यस, अभी आजकल इतना वो सुनाई नहीं दे रहा, क्या आप लोग कुछ ब्रेक ले रहे हैं या फिर आपके आप बताइए? वही वो तो लाइक क्या बोले, डिसबैंड हो गया। डिसबैंड, हाँ, तो डिसबैंड हो गया, तो सब अपना अपना काम में बिजी हो गया, ऐसा हो गया, तो बस डिसबैंड हो गया। अच्छा, अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे आप लोग? हाँ, फ्यूचर में तो who knows, obviously वो तो होगा, बट अभी के लिए ब्रेक है। अच्छा, देखते हैं क्या होते हैं। तो आपका ये ब्रिक सिटी बॉयज से आपने दोम दोजी कलेक्टिव्स रखा है ना, तो आपने शुरुआत कैसे की, आपका मतलब थॉट्स कैसे आया कि आपको ये करना है अकेला? अच्छा, ये लाइक कलेक्टिव को लेके? हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, एक्चुअल थिंग इज लाइक हम पहले भी लाइक अपना सोलो करता था, लाइक कहीं फेस्टिवल लोग में या कहीं किसी का शादी पार्टी ऐसा में, तो आर्टिस्ट है तो जो काम मिलते हैं वही करता था। तो ऐसा हो कि लाइक ये बार जब बासर कर बास्कोन, तो आप लोग सुना होगा? हाँ हाँ, सुना। बास्कोन, उसमें हमको लाइक वहाँ से वो उस लोग ने इन्वाइट किया, तो बास्कोन इज लाइक वो तो अपना फोक चीज को वो करते हैं, तो वहाँ पे तो वही ऐसा हो गया, उसने वहाँ पे इन्वाइट किया, तो हम सोचे कि ये बार अगर जा ही रहे तो एक चलना लाइव बैंड करके ही देख लेते ना, तो पहले से तो करके आ रहे ये वाला सीन जो, तो मतलब लाइव में घुसने में था लाइव म्यूजिक में, तो ऐसा हो कि मेरा बैंड मैट लोग है, एक न्यामो जीने है अभी जो गिटार प्ले करता है, और ये सेमुअल लाई जो ड्रम प्ले करता है, और पप्पू भैया पप्पू दोनों बेस्ट प्ले करता है, और मेरा एक फ्रेंड था अभी भी है खुशहाल छेत्री, बट वो ब्रेक ले रहा है थोड़ा, कुछ उसका भी कुछ पर्सनल कुछ काम चल रहा है वो के, तो उसका जगह अभी हम लोग जो एक अवक है जो हम लोग के लिए प्ले करते हैं ना, तो ऐसे कि वो समय हम सोचे हम फोन किया, तो उसमें फोन किया न्यामो भाई को, हम सबसे पहले फोन किया इसका, न्यामो भाई को ऐसे ऐसे बोला आप क्या इंटरेस्ट से प्ले करेगा, बोला इवन वही सेम क्वेश्चन जो हम सेम भाई को भी पूछा, तो बोला वो लोग भी अरे क्यों नहीं करेगा ऐसा बोल के ना, तो सब इंटरेस्ट था, तो ऐसे कि वहाँ से प्रैक्टिस ऐसा करके चल दिया मतलब, और उसमें हम ऐसा सोचा था कि करके देख लेते हैं यार लाइव बैंड भी है। हाँ। अगर चला तो अगर अच्छे से कंटिन्यू करेगा, नहीं तो म्यूजिक भी छोड़ दो यार, कुछ ना कुछ फिर दूसरा रास्ता ढूंढ के देखते हैं ऐसे था। हाँ। और म्यूजिक से वो नहीं है कि म्यूजिक से हम कुछ करके लाइक इतना बड़ा आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट मेहनत ही कर रहा है, बस थोड़ा बहुत प्यार मिल रहा है अभी पब्लिक लोग से, आप लोग से जो जो देख रहे हैं, आप लोग कोई पहचानेगा भी नहीं होगा, बस प्यार दो काम करने अच्छा लगता है ऐसा होने से ना। तो वो ये भाई लोग को लेके किया, तो ऐसा हो गया बास्कुन में जाके बहुत सक्सेसफुल गिग भी बहुत अच्छा किया, पब्लिक लोग से बहुत अच्छा प्यार मिला, तो वापस आके बैक टू बैक ऐसा गिग करके यहाँ वहाँ होके थोड़ा बहुत पहचान भी मिला, तो वही चल रहा है अभी। और एक्चुअल पहले से सपना भी था कि एक लाइव बैंड तो बनाने मन है खुद का ना, एक लाइव में इतना म्यूजिक मतलब पहले से हम था, तो बहुत गाने का लाइक शौक था हमको, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया लाइव बैंड तो बनाया ही बोल गया, तो देखा तो ऐसा ऐसा भाई लोगों को भी मिला जो बहुत ही म्यूजिक में एकदम खतरनाक इंटरेस्ट वाला लोग ना, बहुत डेडिकेशन खतरनाक वो लोग अभी। अच्छा। तो ऐसा हो गया चल रहे हैं, बस प्यार बनाए रखो आप लोग भी। हम तो आपको प्यार बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू। सो सर मुझे स्पेशली मुझे जानना है एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी जानना है कि आपका हेयर जो आई थिंक इट्स लॉन्गर देन माइन, आई थिंक ना मेरे बालों से भी लंबा है, तो इसका क्या पर्पस है, मतलब आप कुछ सोच कर रखा है लंबा पाल रहा है, या फिर आप मतलब क्यों इतना लंबा सुनहरा बाल पाल रहा है? नहीं, बाल जो ऐसा कुछ तो नहीं है, बट हाँ क्लास 12 से, जब से हम क्लास 12 हाँ 11 12 से बहुत
बाल लंबा पालने का जो मेरा फैमिली जो बहुत स्ट्रिक्ट वाला है, मेरा फैमिली में मेरा चाचा ना बहुत खतरनाक स्ट्रिक्ट है, छोटा सा लाइक फैमिली में हम ऐसे था कि बहुत ज्यादा प्यार मिल के बहुत हम चंचल था छोटा सा ना, तो ऐसा कि कुछ नहीं ऐसा, बस मेरा लाइक चाचा को हम बहुत डरता, इवन तो अभी भी हम रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा डरता उसको, मतलब पाले नहीं दिया था कभी हम, बट क्लास 12 ऐसा हो गया तो वो भी थोड़ा बोलना कम हो गया, समझ गया होगा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया बोल के, वो बाल लंबा रखते बोल के हर कोई सोचते यार बदमाशी है ब्ला ब्ला ऐसा सोचने वाला बहुत होता है, लेकिन हम तो अभी हम क्लास 11 12 से ऐसे पाल गया रहे, अभी ऐसे बोलते कि मेरा माँ पिताजी जो हमको बोलते कि अरे वो बाल काट देने से आपको हम नहीं पहचानेगा, मेरा पिताजी हमको बहुत सपोर्ट बोल हो जाएगा रखी लो देख देख यही हो गया, काट देने से तुमको हम लोग नहीं पहचानेगा ऐसे, तो वही है कुछ भी ऐसा पर्पज तो नहीं है कि बाल लंबा छोटे पहले से थोड़ा इंटरेस्ट हो गया तो आप मतलब कंटिन्यू पालते रहेंगे ना, ऐसे तो नहीं अरे कभी ना कभी तो काटने यार काटे यार पर सच में आप अगर काट दोगे तो थोड़ा अलग भी लगेगा, वही पहचाने गए नहीं हम लोग, बेटर यू कीप ट्रिम ना, हां वही करते रहना बहुत अच्छा है। सो सर हमें ये जानना था कि आप बेसिकली आपने कभी ऐसा कुछ ऑडिशन या फिर कुछ नेशनली प्लेटफॉर्म में आपने क्या कभी ट्राई किया या फिर आप ऐसे ही खुद से स्टार्ट कर लिए? नहीं वो लाइक हाँ पहले एक बार हम ट्राई किया था, ये लास्ट टाइम वहाँ से क्या था वो राइजिंग स्टार बोल के एक आते ना वो कलर चैनल, हाँ हाँ उसमें एक बार आया था फोन आया तो देखा था, हम तो शिलोंग निकल गया था अच्छा। तो देखे तो वहां से एक ऑडिशन था, फिर इसके बाद जो गुवाहाटी पे था इसके बाद शायद कलकत्ता कुछ ऐसा ब्ला ब्ला ऐसा कुछ था, तो देखे तो वहां तो हम पता भी नहीं था, हम जस्ट ऑडिशन देने गया, ऑडिशन देने के बाद में पता चला, बाद में हमको पता चले गुवाहाटी में शायद हमको फिर वहां बुलाया था अच्छा। वहां से लेकर के तो हम तो पूरा खतरनाक से सो रहा था शिलोंग में 200 पूरा खतरनाक नेबले की बैठा हुआ था, बाद में देखा तो 43 मिस कॉल फैमिली का सबका ऐसा गिन के हाँ। तो बाद में देखा अननोन नंबर को हम वापस कॉल बैक किया तो पता चला कि लाइक आपका वो चीज ऑफर हो गया, टाइम जो ऑफर हो गया तो ऐसे बोलते तो हम भी क्या करेगा सपना तोड़िया, इसके बाद वापस आ गया अच्छा, इसके बाद कभी ट्राई भी नहीं किया और ट्राई करेगा भी नहीं लगता पर आप बिना ट्राई करके बिना प्लेटफॉर्म में जाके पर स्टिल यू आर डूइंग वेरी गुड इन आवर अरुणाचल ऑल्सो, आप लोग का मेरा एक फ्रेंड है शिलोंग में जो आपका बहुत बड़ा फैन है, जिमी आना एवरी ही इज प्लेइंग एवरी डे जिमी आना लिटरली लाइक ही इज वेरी बिग फैन ऑफ यू, सो अब मैं तो कभी कभी बोलती हूँ हाँ मेरे स्टेट से है तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ आपके वजह से। तो सर बातें शाते तो होते ही रहेंगे, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर हम लोग गेम खेलेंगे आपके साथ दो राउंड सिंपल सा गेम है, एक एक होगा आपका दिस एंड दैट, दोनों में से दो ऑप्शंस देंगे आपको, एक ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे और एक्सप्लेनेशन देने होंगे, और दूसरा होगा रैपिड राउंड जिसमें आपको बिना सोचे जो मुंह में आता है जो फर्स्ट आता है आपको बोलना पड़ेगा। अभी मेरा आता से फटने वाला है मतलब ना एग्जैक्टली, सो यू रेडी सर? रेडी तो नहीं है फिर भी क्या करेगा करना ही पड़ेगा। So the first question is winning a lottery or finding a soulmate? Lottery, baby, lottery. Lottery. Yeah. phone in bathroom or without phone in bathroom? Phone in bathroom. Phone in bathroom. तो आपको भी बहुत ये आदत है आज। बहुत खतरनाक खतरनाक वाला। Okay. So you are extrovert or introvert? Extrovert बोल सकते हैं। Extrovert. अच्छा। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, बी एम्बैरेस्ड और बी अफ्रेड? बी अफ्रेड। बी अफ्रेड, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा आईओएस और एंड्रॉइड? आईओएस। आईओएस। अच्छा सक्सेस और हैप्पीनेस? सक्सेस, सक्सेस है तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस आ जाएंगे, यस एग्जैक्टली। सेकंड चांस इन लव और सेकंड चांस इन करियर? सेकेंड चांस करियर। करियर ओके, अगर आपको सेकेंड चांस मिलेंगे तो आप क्या क्या चीज ठीक करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत कुछ है बट अभी नहीं बोल पाएगा, पर आपको बोलना पड़ेगा। अरे बहुत खतरनाक है। अच्छा लेट्स मूव ऑन। ओके सो अगर आपका कोई भी डेट्स हो तो कॉफी डेट में जाएंगे या फिर कॉकटेल डेट में? कॉकटेल डेट। कॉफी डेट? Cocktail date. Cocktail date. Oh, nice. Nice. Okay. Interesting. Marrying your crush or marrying your best friend? Best friend. Marrying your best friend. ऐसा क्यों?
क्रश को क्यों नहीं, बहुत लोग क्रश पे मरते हैं। नहीं, क्रश तो लाइक क्रश से की थी ना, बस देखो हाँ वन साइडेड बोला वो सही है, इसके बाद आ जाएगा तो मजा नहीं है ना, वो बेस्ट फ्रेंड तो दूसरे को पूरा जान के आते हैं ना। क्या आपका कोई लेडी बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ अच्छा अगर चूज करना हो तो या एग्जैक्टली ओके। यू इन पर्सन, आपको लॉन्ग हेयर पसंद है या शॉर्ट हेयर? दिस लाइक हम देख सकते हैं एग्जैक्टली। सो हॉलीवुड और बॉलीवुड? दोनों हाँ। आप दोनों मूवीज देखते हो? इतना तो नहीं है, बस देख लेते हैं। आप हॉलीवुड बॉलीवुड में क्या फॉलो करते हो, म्यूजिक एल्बम्स और फिल्म? म्यूजिक ही है। अच्छा, सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। थैंक गॉड ऑलरेडी। सो हिंदी सॉन्ग्स और गालो सॉन्ग्स? अभी तो हम गालो बोलेंगे। गालो बोलेंगे, ऑफ कोर्स। आप गालो? नॉट ओनली गालो, हम लोग का जितना लाइक क्या बोलेंगे, ट्राइबल सॉन्ग्स लोग हैं ना, मजा लगता है। अच्छा, तो लेट्स, ये राउंड तो बहुत अच्छा गया, सो लेट्स मूव ऑन टू रैपिड राउंड। इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सीधे सीधे जवाब देना है एंड झूठ नहीं बोल रहे सर। तो झूठ बोल भी लिया साहब, नहीं पकड़ पाएगा, बस उसके लिए बस सॉरी बोल रहे हैं हम। इसमें आपको रीजंस भी देना होगा। अच्छा, तो रीजंस के लिए आप सोच सकते हैं, पर आंसर आपको जल्दी करना होगा। चलो देखते हैं। या लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Never have I ever broken someone's heart. Please, you have to keep answer. Is it a yes? Yeah. Okay, I'm sorry. Okay. I hope ki wo aapko maaf kare. So, okay. So the second question is, never have I ever Googled myself. You did. Yeah. How many times? Ah, countless. Countless. Ah. Did you found yourself? No. Doing now. You should get yourself. Abhi to bahut jana mana ho gaya na. Aise nahi. So let's move on. Never have I ever dated someone older than me. Yes. Just say yes, la. Please. Ah, yes. Yes. Okay. Hmm. Never have I ever cheated on exams. Oh, खतरनाक है रे। कैसे चीट किया? Even though जब हम दिन में था, हम तो ऐसा इतना शर्म लग गया ना, हमको पकड़ ले रहा। और जो पकड़े है वो हमको पहचानते बहुत अच्छा से। तो बाद में क्या हुआ, हम भी ऊपर नहीं होगी बैठ गया, पूरा मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया, तो चुपचाप पेपर सबमिट कर दिया, निकल गया। इसके बाद थोड़ा देर बाद देखे तो मेरा दोस्त भी निकले। वो भी चीट कर रहा था। तो देखे तो मेरे बहुत क्लोज भाई है। अच्छा। मतलब फ्रेंड है ना, तो वो वापस चेक करने था, मेरा लुक जो पूरा गया है वापस देखा है, तो वो उसको पकड़ लेना, नाम एंट्री करो बोला, तो ऊपर देखा तो मेरा नाम दोवन दोजी बोल के दिखा दे, बहुत हिम्मत से लिखा तो अपना इसके लिखा। चीट तो सबने किया है, मैंने भी किया है। क्या है जो स्मार्ट होते हैं ना, चीट करके निकल भी जाते हैं क्या? आपका चीट का सोर्स क्या था? आपने चीट में लिख के पॉकेट में घुसा के? हाँ नहीं, हम जो हाँ पॉकेट में था, पॉकेट में था एक्चुअली। हम एग्जाम बहुत लेट से एंट्री किया था एग्जाम हॉल में भी, तो ऐसा हो गया बालकपुर में कुछ वो प्राइवेट नहीं कुछ टूरिज्म लोग का कुछ वहाँ फैसे बहुत बुरा ना बात है ना, तो वहाँ से करके आ गया, बहुत लेट हो गया था, तो डायरेक्ट घर पहुंच के कपड़ा वपड़ा चेंज किया, बाइक स्टार्ट करके भाग के चला गया। बाद में देखा तो एक घंटा बाद हमको गुस्से भी नहीं दे रहा था, हम रिक्वेस्ट कर रहे घुस के भी क्या ना फायदा हुआ है, पकड़ ही लिया वापस निकल गया, उससे अच्छा आराम सो के बैठने से दिखता। क्या जिंदगी है। सो फन। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, दिस वन इज वेरी फनी वन। ओके, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस। सो नेवर हैव आई एवर farted during your practice. yeah obviously hum bahut bahut karte hai, aapka band member log sun rahe honge, bhai log sab bahut mazak karte hai na, aisa aisa cheez ke bata bhi nahi sakte. Acha, so next one, never have I ever gone to a party without invited. नहीं नहीं ऐसे तो नहीं, बहुत आने से लगते, इवन तो बुलाने से भी हम तो थोड़ा नहीं होते दिल, नहीं वो अजीब लगते। अच्छा, बचपन में तो गए होंगे जाने मन था, हम बस दूर से एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा होता था कॉलोनी लोग में भी, जैसे किसी लोग का बेटी बेटा लोग का बर्थडे पार्टी चल रहा है, दूर से दिखता था, या
साथ में मार्बल खेलता था, लेकिन नहीं बोला अपना बर्थडे मैंने ऐसा देखता था। जाने का बहुत इच्छा होता था, नहीं गया रे सच में, जाने तो मन था, लेकिन अभी ऐसा है कि खुद भी जाने शर्म लगती है, इवन तो बुलाने से भी नहीं होते नहीं सकते। Never have I ever used dating app. नहीं रे, ये तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप नहीं किया तो बहुत लॉस है, करना भी चाहिए, कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। नहीं रे। Okay, next one. Never have I ever been in love. Actual love. वो तो obviously है। Obviously. Okay. Never have I ever met a celebrity. Celebrity बोलने से तो भूल गया रे, भूल गया शायद से हाँ। ओके, नेवर हैव आई एवर गॉन टू अ ब्लाइंड डेट, नेवर। ओके ओके, थ्री थिंग्स दैट यू लव अबाउट योरसेल्फ। खुद से खुद को बात करता है ना मैं देख के, लाइक स्टेज में उतने से कभी कभी ऐसा होता है कि कैसे क्राउड से बात करेगा, ऐसा वाला नहीं होता है क्या, तो स्टेज में जाने से तो थोड़ा स्टेज का प्रेजेंटेशन तो होना पड़ेगा, तो मतलब वही चीज के लिए खुद से देखिए कभी कभी खुद को बात करते हैं, बस वो है। कभी कभी अच्छा कुक कर लेते हैं, सीख गया एक्चुअली ना। अच्छा। बट वही कि कभी कभी नमक ज्यादा हो जाता है या खाना जल जाता है, बस सीख तो गया ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। खुद से कपड़ा धोते हैं लड़का में, और क्या चाहिए बस। हम जो ना एक्चुअली बहुत दूसरा का बात सुनते हैं। अच्छा। इसके बाद मतलब आपको ना बोलना नहीं आता। एग्जैक्टली वही वही है, हमको ना बोलने ही नहीं आते, आदमी जो बोले चलो दोस्त फाइनल तो फाइनल वो वाला ना, और थोड़ा बहुत हम कंजूस नहीं कर सकते ऐसे बोले आज है तो है नहीं है तो नहीं है, इसलिए मेरा माँ पिताजी भी बोल देगी तुम तो नहीं होगा, हमको ऐसा नहीं होते क्या, ऐसे होते कि हम डायरेक्ट ब्रोक होगी बहन लोग तो लड़की आदमी समझते तो मतलब कुछ होते दे देते, बाद में हम खुद ऐसा होगी बता यार हालत खराब है रहा अभी ऐसा लाना वही है, और क्या है ज्यादा घर नहीं बैठ सकते। अच्छा। सब घूम घूम के आदत हो गया तो ज्यादा छोटा सा ऐसा था कि फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया माँ पिताजी के साथ, तो ऐसे अकेला रह रह के ऐसे बोला मैं तो भाई। अभी तो आपका काम ही ऐसा है टूर करना ना? नहीं वही नहीं, छोटा सा लाइक ऐसा था, बहुत दूर रहता ना हमको, तो ऐसा हो गया बहुत ज्यादा साथ में बैठने से भी बात सुनते रहे माता दर्द हो रहा है, प्यार तो यहाँ बहुत ज्यादा है ना, बट अभी यूज तो नहीं है तो उपाय भी नहीं, ऐसा होगा प्यार तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। एवरी डे इवन हम फोन में बात करते हैं ऐसा है, ऐसे नहीं कि माता जी को प्यार नहीं करते, प्यार तो खतरनाक करते ऐसा है। सो लाइक अनदर क्वेश्चन, थ्री थिंग्स दैट यू डू टू इंप्रेस समवन, लाइक स्पेशली टू फीमेल गर्ल वुमन। क्या है ऐसा तो कुछ नहीं रहे है, बट यू हैव यू मस्ट टेल, आपका कुछ तो होता होगा, आप कुछ किसी को अगर पटाना है तो लाइक क्या हो सकते हो दबा मजा क्या हम कुछ मालूम नहीं आगे। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, इज दोम दोजी सिंगल और टेकन? या फाइनली हमको पता था ये तो होने ही वाला है। आपको पता था? ओके। है ना? है। सो गर्ल्स है दोम दोजी इज टेकन सैडली, पर फ्यूचर में क्या हो क्या पता ना। सो अच्छा लगा आपसे ये गेम खेल के, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा ये गेम खेल के? लाल हो गया अंधेरे। लाल दिख रहा है, आप थोड़ा लाल हो गए हो। सर तो ये मेरा खुद का सवाल है, आप अभी सिंगर हो आर्टिस्ट हो तो आप टूरिंग भी करते हो, तो परफॉर्मेंस के लिए आप जाते हो हर जगह, तो आपका फैंस के साथ सबसे अच्छा मोमेंट मेमोरीज आपका कैसा रहा, क्या रहा? अच्छा था वो लाइक आर्टिस्ट होंगे, बड़ा आर्टिस्ट नहीं रहे छोटा सा आर्टिस्ट है, बस मेहनत कर रहे हैं, बस प्यार दो आप लोग ना, और काम करने मन होने तक लाइक आप लोग प्यार देगा तो ऑब्वियसली काम करने मन होते, तो लाइक एक दो प्रोजेक्ट भी है कर रहे हैं अभी हम लोग, तो बस आप लोग प्यार ऐसे बनाए रखो बस, वो ये ऐसा कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं छोटा से बस तय गया आर्टिस्ट का कर रहे हैं बस। और हाँ जो आप पूछा था अच्छा है लाइक वो लोग जब आते हैं कोई ऐसे नहीं है बड़ा आर्टिस्ट है अभी हम बोल रहे हैं, बस आते हैं उन लोगों को अच्छा लगते हैं लाइक स्टेज में आते हैं आते सर लाइक फोटो तो बोलते हैं, तो हम तो कभी मना भी नहीं करते हैं, और कौन सा ना बड़ा आदमी है भाई फोटो तो खिंचवाना है,
शकल भी तो कौन सा हैंडसम है यार, फोटो तो खिंचवाना है ना, अच्छा लगता है, वही तो प्यार है पब्लिक, वही प्यार है, तो जितना सकते जाते हैं फोटो खिंचाते हैं, बस वही अच्छा लगता है। अच्छा मुझे जानना है कि आपका वर्स्ट रूमर्स आपने क्या सुना अभी तक अपने लाइफ में? हाँ वर्स्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक सुनर है, लेकिन ना ऐसा हो गया सुन सुन के फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे सुन रहे ऐसे फेंक देते हैं। अच्छा मतलब आदत हो गया ना। बताइए कुछ क्या रूमर्स था, वो तो रूमर्स ही है ना, वी कैन नो। या अभी क्या बताएगा, ये था वो था तो ये था वो था, ऐसे सुनते हैं लाइक पहले का बात है, ऐसे बहुत सुनते हैं, बस वही है सुनता था वही बोले, अभी हम बोलेंगे ना बोलने भी नहीं सक रहे, हम सुनते फेंक देते यहाँ से। अच्छा सर, तो आप हमारे शो में आए हैं, आप तो इतनी अच्छी सिंगर हैं, तो आपको बिना गाए दिए तो हम जाने नहीं सकते, तो आपको प्लीज दो लाइन अपना मधुर आवाज में सुनाना पड़ेगा सर, प्लीज एंड योर बेस्ट सॉन्ग। वीडियो देखो करोगे तो हम भी ट्रॉली तान गए ऊपर टेरेस में जाने का, ऐसे बना दिया गा दिया, तो देखे तो थोड़ा बहुत यहाँ से प्यार मिला था, तो ये जमदे सरम सर को भी बहुत बड़ा कृतित एंड थैंक यू सो मच सर। तो ओके जिमी है ना, ओके लेट्स गो, लास्ट वाला लाइन से करते हैं। Thank you. Wow, so nice. Yes. Wow, mesmerizing. बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा। Thank you, thank you. तो सर, we are coming to our end. So मैं चाहती हूँ कि आप जो rising stars जो आ रहे हैं अभी, जो हमारे state में हैं, जो singing में interest है, तो उन सभी को आपका experience से, आपका work से, अगर आप कुछ भी suggest करना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहते हो, तो please take your time and you can have the seat. Definitely. तो last हो रहा तो बात बोलेगा, अभी भी बोले छोटा सा आर्टिस्ट है, तो अभी जितने भी अपकमिंग आप लोग जितना भी लाइक म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप लोग अच्छे से करो अपना ओरिजिनल जितना सकेगा, अपना अपना डायलेक्ट में काम करो, अच्छा लगेगा ना, तो मतलब अपना चीज़ को तो आप प्रमोट करेगा, तभी तो हम लोग भी लाइक आप लोग को भी पहचान मिलेगा, हम लोग का कल्चर को पहचान मिलेगा ना, तो जितना सकेगा अपना ही चीज़ को प्रमोट करने के लिए करो, बस वही है, और गलत रास्ता बिल्कुल भी मत जाओ। आदमी सोचते हैं कि म्यूजिक फील्ड में है तो ये करते वो करते, इवन तो हमको भी सोचने, हम इवन बोलता भी है, बोलते हैं बाल लंबा है वो, हम कुछ भी नहीं, हम तो डायरेक्ट टोटली डायरेक्ट क्लीन है, मतलब बाल लंबा पालते वो मतलब नहीं, म्यूजिक करते वो नहीं कि नशा करते हैं, ये करते इवन तो जो देख रहे हैं भाई आप लोगों को भी बोलते हैं, भैया आप लोगों को भी बोलते जो म्यूजिक कर रहे हैं बिल्कुल भी ऐसे दाग भी लगने मत, इवन तो आप लोग भी मत करो ये चीज ना, बस वही। तो ये भी बोल दीजिए कि आपको टाइशन टॉक शो में आकर कैसा लगा? टाइसन टॉक शो में आके खतरनाक हम पता नहीं था फर्स्ट में, लाइक सीरियसली है तो भी ऑनेस्ट, हमको लगता था कि स्क्रिप्टेड है बोल के ना, इसलिए हम कल भी हम फोन करके पूछा यार, नहीं तो आप लोग हमको क्वेश्चन नहीं दे रहे बोले, हम इससे जाम मार के हम भाग जाएंगे, हम ऐसा भी बोला था यार, आके फटे और आज दो बम का फट गया यार। But you did very good, you did very well. छोटा सा
प्यार आपको हमारे दर्शन टॉक शो की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग सर, सर ये है पपुम पारे का टी एस्टेट, ये इसमें ग्रीन टी भी है एंड नॉर्मल टी भी है, तो आपको हर शॉप से मिलेगा। Very इसको nice. आप डेली पीजिए, डेली परचेस कीजिए और अपना गला को और सुनिए। अभी रूम जाके बना के पीते रहेंगे। हाँ, सर बना के पीजिए। थैंक यू। सो दैट्स ऑल गाइस, वी आर साइनिंग अप। दिस इज कार्बन रिराम एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर एंड कमेंट्स एंड वॉच विद योर फैमिली। शेयर करना मत भूलिए, प्यार करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much.